हमें लग गया इसी साल इसको कंप्लीट करना है, समझ गए ना, दशहरा के पहले तो हम वही ना देखने आए। उधर वाला एक रोज देख लिए हैं, तो इधर वाला हम देखने आ गया, सब कुछ को बता दिया है। जितना इधर है ना सरकारी बिल्डिंग, इसको हटा के नया बिल्डिंग हम बनाने के लिए बहुत पहले से कर रहे हैं। ये सब बहुत पुराना है स्टेशन, इसको तोड़ करके और इसको थोड़ा सा पीछे और ऊंचा बिल्डिंग बनवाएंगे, तो वो भी मेरा ना कंसेप्ट है। ये सब हो जाएगा तो और ज्यादा लोगों को रखने में सुविधा होगी और जो आने जाने का रास्ता है वो और चौड़ा होगा, और फिर कितने लोग इधर से उधर जाएंगे, कितना बढ़िया ढंग से जाएंगे। आज रविवार का दिन है सर, छुट्टी का दिन आता तब भी आप काम पर निकले हुए हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी आप काम पर निकले हुए हैं। क्या हुआ, हम बच्चे रहते थे हमको ये होता, हम तो बोल ही दिए सबको घरे पर जाके सबको लेके हम चले आए। लेकिन विपक्ष को जरा काम ही नहीं हो रहा, काम तो काम ही नहीं कर रहे हैं। अरे तो मेरा काम ही सिर्फ मतलब है, ये बाकी कोई चीज से मतलब है, हम तो काम ही न करते रहते हैं। और कितना पहले ही मेरा ही कंसेप्ट था ये होगा, तो एक हिस्सा बन गया, दूसरा हिस्सा बन गया, आप समझ गए। तब उसी तरह से इधर वाला जो दिया गया था तो इतना अच्छा हो जाएगा चलने का, तो उसी के लिए ना हम अलर्ट है, कह रहे हैं। तब ये लोग तय कर लिए हैं कि इसी साल पूरा हो जाएगा। फोन पर भी निर्देश दे रहे थे सर, अब देखे फोन पर भी निर्देश दे रहे थे, फोन अच्छा। भी आपने निर्देश दिया कि जल्दी काम कीजिए। हाँ तो वो तो करते रहते करते मेरा काम है। तस्वीर बदल जाएगी सर पटना की, तस्वीर बदल जाएगी पटना की। नहीं नहीं, आप समझ लीजिए कि जो भी आपको बता रहे हैं ना कि सरकारी बिल्डिंग से ना इसको बेहतर बनवाएंगे, बहुत पुराना ना है ये 80 साल का है पुराना, उसकी जगह पर नया बिल्डिंग हम लोग बनवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रख लें, और उसका थोड़ा सा स्पेस अभी देख रहे हैं ना इधर से जाने का, तो बन ही रहा है, तो थोड़ा सा और बढ़ा करके तो बहुत अच्छा ना हो जाएगा, चलने उलने का सुविधा सबको होगा ना, ये सब हमारी इच्छा है। सर, मुंबई में जो बैठक होने वाली है वो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है सर। क्या खड़ा करेगा, हम तो जा ही रहे हैं, निशाना क्यों साधता है, लेकर चिंता ज्यादा है कि आप। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना, हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग को ही बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं उस दिन, और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज, कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ कहाँ लड़ेगा ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। सब लोग आपको टारगेट करता है, भाजपा का लोग आपको क्या क्यों टारगेट, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। सब तो कोई मतलब है जी, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला है, इसलिए हम पर बोलता होगा, हम तो ध्यान भी नहीं देते, उसका कोई हम स्टेटमेंट नहीं देखने जाते हैं।